तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 7 का। तो ये बेसिकली फ़ोन मेरे दोस्त का है, वो सीधा लेके यहाँ पे मेरे पास आए अनबॉक्सिंग के लिए। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और थोड़ा सा रिव्यू दूंगा इसके बारे में कि इसके बारे में क्या मैंने सुना है और क्या क्या इसमें आपको मिलेगा और किस तरह का ये फ़ोन है बेसिकली। तो ये है इन्फिनिक्स नोट 7। तो इसके दो वेरिएंट आए हुए हैं, एक तो है यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है इस टाइम 6GB में है और ये दो वेरिएंट है, एक 6GB में एक 4GB में। तो ये हमारे पास जो है 6GB वाला है, तो इसकी आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और इसका थोड़ा सा रिव्यू दूंगा आपको। तो बेसिकली ये मोबाइल हमने ख़रीदा क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फेमस हुआ है और इसमें जो प्रोसेसर लगा है गेमिंग प्रोसेसर है और बहुत ही कम कीमत में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मोबाइल मिलेगा और इसके बारे में डिटेल बात करेंगे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये रहा हमारा आज का जो फ़ोन है जिसकी आज हमने अनबॉक्सिंग और थोड़ा सा रिव्यू देना है, तो इन्फिनिक्स नोट 7। तो ये बेसिकली दोस्त का फ़ोन है, मेरे पास जो था ओप्पो F7 था, जो मैंने जो भी वीडियो रिकॉर्ड करता था, जो मैं ट्रिक्स वगैरह देता था वो उसकी देता था, तो इसलिए ये मेरा फ़ोन नहीं है। तो ये दोस्त सीधा मेरे पास लेके आया अनबॉक्सिंग करने के लिए। ये देखिए अभी बिल्कुल पिन पैक है, वो अभी सीधा मेरे पास आया मार्केट से, घर भी नहीं गया। तो इसकी अब हम करते हैं अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस फ़ोन को अपने हाथों से इसको ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके पीछे यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैचेज आए हुए हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे या इसके बैक पे जो चीज़ें वो नहीं दिखाई दे रही। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फ़ोन। तो सबसे पहले मैं इसकी बैक पे जो इसकी चीज़ें वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रही होंगी और आप यहाँ पे स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। तो मैं बेसिकली आपको यहाँ पे, मुझे नज़र नहीं आ रही, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो मेमोरी में इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 6GB इसकी रैम है और 128GB रोम है। तो इसका जो दूसरा वेरियंट है उसमें भी क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको 4GB रैम मिलेगी। तो मेन बात इसकी जो ख़ास बात है इसकी प्रोसेसर की है। यहाँ पे इसका प्रोसेसर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे है G70, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई गेमिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ये बेसिकली मोबाइल जो है गेमिंग को ज़्यादा सपोर्ट करता है, आप इसमें बहुत अच्छी गेमिंग कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी गेम भी चला सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि PUBG बहुत हैवी गेम है और उसके बाद GTA 5 जो मोबाइल की गेम है बहुत हैवी है, वो आप इसमें बहुत ही स्मूथली यहाँ पे इसके अंदर आप खेल सकते हैं। कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी में क्या है कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं जो आप दूसरे चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं बगैर वायर के, तो वो है इसमें GPS, Wi-Fi, Bluetooth और GNSS। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क में आपको यहाँ पे 4G आता है जो कि हर मोबाइल में होता है, यहाँ पे अभी 5G आया नहीं है, इसलिए 5G पे इतना ज़्यादा मोबाइल वाले ध्यान भी नहीं दे रहे। जब 5G आने वाला होगा तो आपको नए मोबाइलों के अंदर 5G भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे 4G है। उसके बाद बैटरी इसकी जो है 5000 mAh की है और उसके बाद यहाँ डेमोंस्ट्रेशन इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अब मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10 है। तो उसके बाद है डिस्प्ले में आपको 6.95 जो मेरा फ़ोन था ओप्पो का उसके अंदर आपको देखने को मिलता था 6.2, तो वो था 6.2 में, ये आया आपको 6.95, यानी कि इसका डिस्प्ले बहुत बड़ा होगा, तकरीबन टैप तो लग ही रहा होगा देखने में आपको। तो जब इसको ओपन करेंगे तो दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा 16 MP विद डिस्प्ले फ्लैश लाइट है इसके साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्क्रीन के अंदर इसका कैमरा है। ट्रेंड पे चल रहा है ये कैमरा और बहुत सारे न्यू फ़ोन में आ रहा है, इसको पंच होल कैमरा कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर इसमें रेजोल्यूशन आ जाता है, रेजोल्यूशन यहाँ पर 720 सपोर्ट करता है, लेकिन रिकॉर्डिंग ये 1080 में भी कर सकता है। और उसके बाद है बैक कैमरे में आपको 48 MP है और आउट ऑफ फोकस 2 MP और स्पॉट लाइट जो वीडियो जब हम बनाते हैं उसमें जो कैमरा इस्तेमाल होगा इसका 2 MP एक होगा और विद इसमें यहाँ पे फ्लैश लाइट भी है। उसके बाद यहाँ पे सेंसर, यहाँ पे सेंसर आपको 2, 4, 6 सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मेन जो सेंसर है इसका ये वाला है, यानी कि इसका जो
आपने बहुत सारे फ़ोनों में देखा होगा बैकग्राउंड पे होता है और स्क्रीन के अंदर होता है, लेकिन इसका जो सेंसर है वो है पावर बटन के ऊपर, पावर बटन ही इसका सेंसर है। और उसके बाद यहाँ पे जो इसका चार्जिंग है मोबाइल यानी कि इसकी बैटरी है वो है 5000 mAh और 18 W सुपर चार्जर सपोर्ट करता है। एक और ख़ास बात इसमें जो है वो है डुअल स्पीकर। इस फ़ोन के अंदर आपको दो स्पीकर देखने को मिलेंगे जो कि नॉर्मल फ़ोन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते। उसके बाद है 16 MP 1080 यानी ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1080 रिकॉर्डिंग करता है। और यहाँ पे कैमरा 48 MP बैक कैमरा और इसमें AI भी है, फ्रंट वाले में भी AI, दोनों में इसमें AI है। लेकिन मेरे पास जो ओप्पो F7 है उसमें बैक वाले में AI नहीं है, फ्रंट वाले में AI सपोर्टेड है। यानी कि जब से ओप्पो आना स्टार्ट हुआ है तब से ये AI फीचर आया, यानी कि आप जैसे भी हों आप इस मोबाइल के फ्रंट कैमरे से तस्वीर बनाएं तो आप को ऐसा लगेगा जैसे आप। तो इस तरह से आप ये इसके कैमरे होते हैं। और तो बैक पे आपको बस इतनी सी चीज़ें देखने को मिलेंगी और बस यही थी इसके बैक में। और फ्रंट में आपको एक अच्छा सा उन्होंने उसका जो लोगो, अच्छा सा लोगो नहीं है ये बेसिकली मोबाइल जो ओरिजिनल है वही उन्होंने लगाया हुआ है। और ये देखने को बहुत अच्छा है मोबाइल। और इसमें यहाँ पे 6 GB रैम और 128 GB रोम यहाँ पे आपको दिखाएं। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, तो ये फर्स्ट मैं खुद ओपन कर रहा हूँ इस फ़ोन को, तो चेक करते हैं इसके अंदर से हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ गया है फ़ोन, तो इस फ़ोन को हम चेक करते हैं। यहाँ पे ये देखें 6.95 डिस्प्ले और गेमिंग प्रोसेसर, यहाँ पे लिखा हुआ है गेमिंग प्रोसेसर, कहीं आप ये ना समझ रहे हो कि आपने सिर्फ वेबसाइट से पढ़ के मैं बता रहा हूँ। इसके डब्बे के ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है गेमिंग प्रोसेसर है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है, इस कीमत के अंदर आपको इतना अच्छा प्रोसेसर और कोई भी फ़ोन नहीं देगा। उसके बाद 48 MP 1080 और ये आप इसका बैक चेक करते हैं, कमाल का इसका बैक, यहाँ पे कैमरे और यहाँ पे डिस्प्ले, इसका बैक चेक करें आप। तो इसको हम बाद में चेक करते हैं, उसके साथ हम देख लेते हैं इसके डब्बे के अंदर, बॉक्स के, इसके बॉक्स के अंदर और हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे इसके ये स्टिकर्स हैं और उसके बाद एक पिन है इसकी जिससे हम वो उसकी जो जैकेट को ओपन कर सकते हैं। और इसके अंदर हम देख लेते हैं इसका एक कवर आ गया है और ये है इस प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है। और इसका यहाँ पे एक छोटा सा मैनुअल है, इतना छोटा ये वाइज फ़ोन में देख रहा हूँ जिसमें इतना छोटा मैनुअल दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे फ़ोन में आप या बहुत सारी डिवाइसेस में देखेंगे बहुत बड़े बड़े मैनुअल दिए होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ट्रांसपेरेंट जो है इसका उन्होंने एक साथ इसके सिलिकॉन कवर है और बहुत अच्छा है, जो आपके मोबाइल की जो की लुक होगी वो इसके अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से नज़र आएगी। और उसके साथ हमें मिलता है एक चार्जर, डाटा केबल है जो कि नॉर्मली हर फ़ोन को लग जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे हमें इन्फिनिक्स का चार्जर मिल जाता है, तो इस पे यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कितने वोल्ट, यहाँ पे मैं इसका चार्जर दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे इसका चार्जर देख लीजिएगा, इसके ऊपर यहाँ पे वोल्ट लिखे हुए हैं, 5 V का है ये। और यहाँ पे एम्पेयर खास बात होती है, यहाँ पे ये 2 A का ही है। तो अब इसको हम करते हैं ओपन और इसका फ्रंट जो इसका कवर है वो मैं हटाने वाला हूँ यहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हैं क्या मोबाइल है। यहाँ पे डिस्प्ले आप चेक कर सकते हैं और फ्रंट पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा एक छोटे से डॉट के अलावा, क्योंकि वो कैमरा है। और बैक पे हम अब चलते हैं, बैक पे मैं ये रिमूव करता हूँ इसका कवर, ये आप लुक चेक करें इस मोबाइल की, तो ये कुछ इस तरह से आपको बैक इसकी लुक का आपको नज़र आएगी। और यहाँ पे एक बड़ा सारा इन्फिनिक्स नोट लिखा हुआ आपको नज़र आएगा जो कि अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर बिल्कुल प्लेन स्क्रीन होती तो वो थोड़ी अजीब ही लगती है। तो बहुत अच्छा मोबाइल है ये, आप देख सकते हैं स्लिम चेक कर सकते हैं कितना स्लिम है, और ये फ्रंट है और ये बैक है। और इस साइड पे हम बात करें इसकी, तो इस साइड पे आपको एक हैंड फ्री जैक मिल जाता है, उसके साथ हमें माइक मिल जाता है, उसके साथ हमें चार्जिंग पिन मिलती है, उसके बाद हमें स्पीकर मिलता है इसका, एक स्पीकर इसका ये रहा और एक इसका फ्रंट पे रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे ये रहा, तो डबल स्पीकर इसका दोनों काम करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इस साइड पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे सिम वाली स्लॉट मिल जाती है जो मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दूँ। यहाँ पे इसके अंदर सिम्स अलग-अलग डलती हैं, क्योंकि कुछ फ़ोन होते हैं जिसमें आपको सिम
अगर आप सिम यूज़ करना चाहते तो आप मेमोरी कार्ड नहीं यूज़ कर सकते, एसडी कार्ड जिसे बोलते हैं। और इसमें क्या ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, इसके अंदर आप दो माइक्रो सिम डाल सकते हैं और एक एसडी कार्ड डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फ्रंट इसका बिल्कुल प्लेन है, और इस साइड पे हम चले जाएँ तो इस साइड पे आपको देखने को क्या मिलता है, एक टच सेंसर है और यहाँ पे दो वॉल्यूम बटन है, और ये फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसके साथ हम अब इसे ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें इसमें मुझे नज़र आ रही हैं वो आपको मैंने दिखा दी। और इसका कैमरा आप देख सकते हैं यहाँ पे चार कैमरे हैं और चार इसमें फ्लैश लाइट आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एक मेन कैमरा 48 का है और बाकी दो दो के हैं। तो यहाँ पे अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको टच, यहाँ पे ये टच है, आपने ज़्यादा प्रेस नहीं करना, सॉरी यहाँ पे बटन भी है, तो यहाँ पे आप बटन नज़र आया, यहाँ पे क्लिक करें थोड़ा सा महसूस होता है बटन भी। और इसको मैं क्लिक किया है 2 सेकंड के लिए, और ये जो नॉर्मल फ़ोन होते हैं उनमें आप 4-5 सेकंड क्लिक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको 1-2 सेकंड के अंदर ही ये ओपन करके दिखा देता है। तो स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे, क्योंकि पहली बार ओपन किया है इसको हमने, तो इसको हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए मैं जल्दी जल्दी से रजिस्टर कर लेता हूँ, और इसका जो है डिस्प्ले जब शो करवाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर आपको किस तरह के फ़ीचर और किस तरह का इसका सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पे उन्होंने लुक इसकी दी हुई है, यानी कि इसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हुआ। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, आपको बड़ा सारा नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 7, क्योंकि ये इन्फिनिक्स जो है 7 है, नोट 7। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगे। तो बहुत सारे दोस्तों का ये भी कहना है कि रिव्यू मैंने पढ़े थे तो वो कह रहे थे कि इनमें ऐड आते हैं, तो यहाँ पे इस फ़ोन के इन्फिनिक्स फ़ोन के अंदर ऐड आप बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसमें सारे ऐप पड़े हैं यहाँ पे, और इसमें ट्रांजिशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये देखें कितना स्मूथली यहाँ पे काम करता है। इसका प्रोसेसर अच्छा होने की वजह से आप इसमें एक टाइम में डबल टास्किंग कर सकते हैं, और एक सॉफ्टवेयर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था पिछली वीडियो में, उसके ज़रिए आप अनलिमिटेड टास्किंग कर सकते हैं, जितने आप चाहें विंडो यूज़ कर सकते हैं और जो जो चीज़ें आप चाहें यूज़ कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर की मदद से। लेकिन जो बेसिकली जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है उसके ज़रिए आप डबल टास्किंग कर सकते हैं, एक ऊपर और एक यहाँ पे। और इसकी सबसे पहले मैं सेटिंग आपको चेक करवाऊँ कि यहाँ पे सेटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर का, यहाँ पे बैक इसकी शेड देख सकते हैं ब्लू और ब्लैक मिक्स है, और इसकी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो आइकॉन है वो भी इससे मिलते जुलते ही हैं। तो यही था आज का जो हमारा, इसके बारे में मैंने बताना था, अनबॉक्सिंग करनी थी, रिव्यू करना था, और इसकी सेटिंग वगैरह आपको दिखानी थी। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें यहाँ पे टाइम वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कि आपको आईफोन में यहाँ पे लाइव चल रही दिख रही होती हैं, यानी कि जो सेम ये और ये सेम होती हैं वो इसमें भी ये काम करती हैं चीज़ें। तो इतना फ़ोन अच्छा होने की वजह से इतना तो बनता ही है कि इस तरह की इसमें सॉफ्टवेयर अलाओ, इस तरह का इसमें सॉफ्टवेयर हो और इस तरह की इसमें आपको चीज़ें मिलें जो कि नॉर्मल फ़ोन में आपको नहीं मिलेंगी। तो एक और चीज़ इसमें आपको बता देता हूँ, इसके आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेन्यू में जाके आपका जो इसका सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो इसकी लुक है फ्रंट, जो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि यहाँ पर ऐड वगैरह जो आपको आती हैं वो फालतू चीज़ें जो है आप इसमें से बंद कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शन है कस्टमाइज़ करने के, आपका जो फ्रंट यानी आप सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, इसका जो सॉफ्टवेयर है इसको आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यही थी आज की इस वीडियो में हमारी जो अनबॉक्सिंग और रिव्यू, ये मेरे पास रहा इन्फिनिक्स का नोट 7। तो इसके अंदर मेन चीज़ जो मैंने आपको दिखाई नहीं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, एक बटन क्लिक किया बंद करके, दूसरा किया, यहाँ पर एक वाल पेपर आता है बहुत कमाल का, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये चीज़ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो आपको ऊपर कैमरा नज़र आ रहा है वो आपको यहाँ पे कैमरा नज़र नहीं आएगा, तो क्योंकि ईगल की आंख के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कैमरा जो कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे आपको डिसेंट सा लग रहा है जो कि बहुत अच्छी लुक देता है। ये वॉलपेपर, ये आप वॉलपेपर फ्रंट पर भी लगा सकते हैं अपने, और ये लॉक स्क्रीन पर तो पहले से लगा हुआ है। तो अब ये ख़रीदा कहाँ से है, ये ख़रीदा है बहावलपुर से, यानी कि पाकिस्तान बहावलपुर से, और ये है शॉप, तो ये शॉप है जहाँ से हमने ये ख़रीदा है, और ये हमें कम से कम मिला है, और ये हमें मिला है तकरीबन 29K के आसपास। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर लें, तो आपके जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी नॉलेज में कुछ इजाफा हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।